दो भाई हैं तो बड़ा भाई बोल रहा तेरे मोड़े की फीस देनी है स्कूल की हाँ भैया फीस देनी कितनी है फीस भैया पांच हजार हाँ लाओ पाँच हज़ार एकल परिवार वो जो छोटे भाई की बीवी है वो कान भर रही मेहनत तुम ज्यादा करते हो बड़े भैया तो बस तीन घंटे के लिए जाते हैं खेत पे तुम तो दस घंटे लगे रहते हो और इनकम होती है तो बराबरी से वो भी खर्च करते हैं तुम तो अपना अलग कर लो टूटन का आधार ही था तेरा कितना मेरा कितना टूटन का आधार ही था हिसाब किताब तो दोस्तों टूटने के बाद जो एकल परिवार बना उसमें शिक्षा भी काय की दी जाएगी तेरे और मेरे की अपने और पराई की हिसाब किताब की तो बच्चे मां सिखा दी बच्चे को प्रतिस्पर्धा कर दोस्तों क्यों खिला देता है दोस्तों ने तुझे क्या खिलाया मम्मी दोस्त पोहा लाया था हम लोगों ने मिलकर खा लिया वाह उसने को पोहा खिला दिया और तूने शुद्ध घी के पराठे खिलाया उसको फिर वो बड़ा होकर वो तुम्हारे साथ करता है सेम हिसाब किताब तुम बोलते हमारी औलाद है ना ये हमारे साथ हिसाब किताब करिए हमसे पूछ रही है पापा में तुमने किया ही क्या मेरे लिए और जितना तुमने किया मैं भी उतना ही करूंगा आपको लगता है कि मैं बच्चे को चालाकी सिखा दूं थोड़ी सी ताकि ना इसकी स्कूल के बच्चे इसका शोषण ना करें अरे कितना शोषण कर लेंगे ले बट देने की कला सिखाना टिंकू रिंकू चिंकू को संगात लेके चलने की कला सिखा देना अपने दोस्त को प्रॉफिट लॉस की दृष्टि से ना देखे ये सिखा देना रिश्तों को देना सीखे ये सिखा देना यदि संयुक्त परिवार है यदि टोटल परिवार की इनकम हुई है एक लाख रुपए अब उस एक लाख रुपए की इनकम में जो एक फैमिली है मतलब छोटे भाई का जो परिवार है उसको जरूरत पड़ गई सत्तर हजार रुपए की तो वो एक लाख में सी लेगा सत्तर हजार अरे हाँ है ना बड़ा भैया ये नहीं बोलेगा कि अरे एक लाख में पचास हमारा भी ये नहीं हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है टोटल घर का इतना फंड है जिसको जितनी जरूरत पड़ रही है ले लो किसी को कम भी पड़ सकती है किसी को ज्यादा भी इसको क्या कहते हैं सहयोगात्मकता तो पुराने परिवार में सहयोगात्मकता सहअस्तित्व साथ रहना सामंजस्यता ये सारे मूल्य दिए जाते थे फिर आए एकल परिवार की अवधारणा एकल परिवार क्या है परिवार की जो पचास हजार की इनकम हुई उसमें मेरे पति का भी योगदान है तेरे पति का भी योगदान है दिराने जिठानी लड़ रही तो पचास में पच्चीस तेरह तुम्हारी परिवार का पच्चीस हमारे परिवार का तो तुम्हारा परिवार केवल कितने खर्च कर सकता है और और हमारा कर सकता मतलब तेरे और मेरी की अवधारणा चालू हो गई अरे होता है कि नहीं आज भी चले आओ ग्रामीण परिवार में बोले भैया जिसको जिस जरूरत के हिसाब से पैसा बांटा जाता था इस आधार पर नहीं बांटते थे कि किसने कितनी देर घंटे मेहनत करी किसने ज्यादा लगाया किसने कम लगाया यह बनियापन नहीं होता था दो भाई हैं तो बड़ा भाई बोल रहा तेरे मोड़े की फीस देनी है स्कूल की हाँ भैया फीस देनी कितनी है फीस भैया पांच हजार हाँ पांच हजार दे दो मोड़ा जमा कर और तू क्या जमा कर घर का एक आदमी आता था सारे बच्चों की फीस जमा कर आता था खुद के बच्चे की भी छोटे वाले के बच्चे की भी ओवरऑल एक अब एकल परिवार वो जो छोटे भाई की बीवी है वो कान भर रही मेहनत तुम ज्यादा करते हो बड़े भैया तो बस तीन घंटे के लिए जाते हैं खेत पे तुम दस दस घंटे लगे रहते हो और इनकम होती है तो बराबरी से वो भी खर्च करते हैं तुम तो अपना अलग कर लो अपने ही नहीं है अरे अपने बच्चे छोटे भाई एक लाख रुपए आ रहे हैं। तो पचास हजार अपना भी है उसमें पचास हजार उनका है पर उन वो लोग खर्च कर देते हैं साठ हजार है क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं बड़े बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा खर्च होता है अपने बच्चों को दो दो सौ में काम हो जाता है अपन ढगा रहे हैं या ना मतलब सहस्तित्व सामंजस्य ये वाली भावना के विपरीत जब स्वाहित की भावना आ गई तो जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में टूट गया यही होता है कि नहीं अब टूटन का आधार ही था व्यक्तिगत हित टूटन का आधार ही था प्रतिस्पर्धा टूटन का आधार ही था तेरा कितना मेरा कितना टूटन का आधार ही था हिसाब किताब तो दोस्तों टूटने के बाद जो एकल परिवार बना उसमें शिक्षा भी काय की दी जाएगी तेरे और मेरे की अपने और पराए की हिसाब किताब की केवल मेरे की सामंजस्यता के स्थान पर प्रतिस्पर्धा की तो आज के परिवारों में जब से एकल परिवार आया तो बच्चे मां से गा बच्चे को प्रतिस्पर्धा करना काय के आधार पर टिफिन के आधार पर काय के आधार पर पॉकेट मनी के आधार पर काय के आधार पर तूने स्कूल में पैसे खर्च करे दोस्त करता है, कि नहीं तू तो नहीं करता इस आधार पर बच्चे के लिए मां जब टिफिन रख के अब भेजती है एकल परिवार में तो मां बोलती है कि चार पराठे रखें पूरे खा लेना बच्चा घर लौटा मां ने देखा टिफिन खा ली पूछ लिया हां बेटा तूने खा लिया हां मम्मी मैंने भी खा लिया दोस्तों को भी खिलाया दोस्तों क्यों खिला देता है दोस्तों ने तुझे क्या खिलाया मम्मी को दोस्त पोहा लाया था हम लोगों ने मिलके खा लिया वाह उसने को पोहा खिला दिया और तूने शुद्ध घी के पराठे खिलाया है उसको अलग खा लिया कर अपने बिंदु अरे मैंने देखा है ऐसी शिक्षाएं देते हुए अड़ोस पड़ोस में मैं तो यही देखता था अरे हाँ ना क्या सिखा रहे हो तुम तो उसे बचपन से क्या सिखा रहे हो प्रतिस्पर्धा क्या सिखा रहे हो लालच चिंदी चोरी ये तेरा ये मेरा तो सारा बचपन से उसके अंदर वो भाव आ गए फिर वो बड़ा हो के वो तुम्हारे ही साथ करता है सेम हिसाब के तब तुम बोलते हो ये हमारी औलाद है ना ये हमारे साथ हिसाब किताब करी हमसे पूछ रही कि पापा में तुमने किया ही क्या मेरे लिए और जितना तुमने किया मैं भी उतना ही करूंगा यार ये ऐसी बात कर रहा हूं हमारा बच्चा अरे वो ऐसी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे तुम्हें सिखाया बोया तुम्हें अरे हाँ है ना हरी बात है समझ में तो मैंने तीन बातों पे प्रकाश डालने का प्रयास किया मैंने बताया परिवार जो है आधारशिला होती है नंबर वन दूसरा चूंकि आप गीली मिट्टी हो आपके चरित्र निर्माण की शुरुआत ही हुई है अतः वो आकार और दिशा दोनों चीज देता है नंबर टू और तीसरा मैंने बताया कि परिवार में किस तरह परिवर्तन आया संयुक्त परिवार के संस्कार अलग हुआ करते थे एक पिक्चर के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया उसके बाद एकल परिवार में किस तरह संस्कार बदल गए किस तरह से मूल्य बदल गए किस तरह से शिक्षाएं बदल गई और मूल्य इस तरह से हो गए कि बच्चा उन्हीं के लिए गले की हड्डी बन गया आप लोग जब भी माता पिता बनो आपके घर में जब भी संतान हो तो आप कम से कम उस संतान के छोटे या ओछे हित के चक्कर में उसको कभी ऐसी कोई सीख मत देना जो भविष्य के लिए बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है हमें हमें समझ में थोड़ी आता हम बच्चे के दिमाग में कितना कुछ वायरस डाल रहे होते हैं सर हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी नुकसान भरी रासायनिक खाद उसके चरित्र रूपी मिट्टी में डाल रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता हमें समझना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा कि रासायनिक खाद डालकर हम जैविक उभरक नहीं जैविक उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते वो नुकसानपूर्ण ही होगा आपको लगता है कि मैं बच्चे को चालाकी सिखा दूं थोड़ी सी ताकि ना इसकी स्कूल के बच्चे इसका शोषण ना करें अरे कितना शोषण कर लेंगे एक उसका सेफ पार्टी क्या ले लेगा उससे एक पेंसिल एक रबर एक शॉर्पनर कुछ कॉपी कुछ पेन पेंसिल थोड़ा सा उसका टिफिन और क्या ले लेंगे उसको बचाने के चक्कर में अपने बच्चे के अंदर लालच तेरा मेरा द्वेष सामने वाले को शत्रुता से देखना अपने ही दोस्त को शक शक भरी निगाहों से देखना यह सब मत सिखा देना जो मैंने देखा है मम्मी सिखा देती हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अपने बच्चे से कहना बेटा भर के लेके जा टिफिन तू भी खाना दोस्त को भी खिलाना करके देखो उसके अंदर क्या भाव आएगा मिलके खाने का क्या बेटा पेंसिल कहां गई हमने तो कल दो दिलाई दी मम्मी वो टिंकू वो जरूरत थी उसको दे दी अच्छा टिंकू ने लौटा ही नहीं नहीं मम्मी नहीं लौटाई हाँ चल कोई बात नहीं खुद से मत मांगना लौटाना होगा तो खुद से लौटा देगा वो क्या हुआ एक पेंसिल ही गई ना जान देना एक पेंसिल चले जान देना टिफिन चले जान देना बट देने की कला सिखाना टिंकू रिंकू चिंकू को संगत लेके चलने की कला सिखा देना अपने दोस्त को प्रॉफिट लॉस की दृष्टि से ना देखे ये सिखा देना रिश्तों को देना सीखे ये सिखा देना टिंकू रिंकू चिंकू बस कितना ही चला जाएगा और उसके चरित्र में जो आज आएगा वो आपको पता नहीं चलेगा वो बदले में आपको देगा भविष्य में आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी जिस तरह से तुम्हारा जीवन चल रहा है बात समझ में आ रही है